दिल्ली में बारिश की वजह से सरकारी इंतजाम हवा हवाई हो गए। भारी बारिश की वजह से मेट्रो स्टेशन के अंदर पानी भर गया। पानी के साथ भारी मात्रा में कीचड़ भी मेट्रो स्टेशन के अंदर जमा हो गया। मजदूर रात भर मेट्रो स्टेशन के अंदर से कीचड़ निकालते रहे। बारिश ने दिल्ली की सड़कों की पोल खोलकर रख दी है। साकेत मेट्रो स्टेशन के ठीक बाहर करीब 100 मीटर लंबी सड़क बारिश की वजह से धस गई। सड़क धसते ही सड़क पर पानी जमा होने लगा और नीचे बने साकेत के मेट्रो स्टेशन में भरने लगा और देखते ही देखते मेट्रो स्टेशन के भीतर कीचड़ का अंबार जमा हो गया। सड़क धसने की खबर से प्रशासन की भी नींद खुली और रातों रात गड्ढे को भरकर सड़क को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जमकर बरसे बादल। उमस से जूझ रहे दिल्ली वालों को बारिश ने राहत तो दे दी है, लेकिन राहत से ज्यादा मुसीबत लेकर आई है बारिश। भारी बारिश के चलते दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद की कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिसर में भी पानी घुस गया। बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी रोक लगा दी है, जिसके चलते कनॉट प्लेस, आश्रम, धौला कुआं, करोल बाग, आजाद मार्केट आदि इलाकों में जाम लग गया। मौसम विभाग ने आने वाले दो दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। चंद घंटों की बारिश से दिल्ली एनसीआर बेहाल है, तो अगर दो दिन तक भारी बारिश होती है तो दिल्ली एनसीआर का हाल बदहाल होना तय है। दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश से सरकारी महकमे की पोल खोल दी है। जगह जगह अंडरपास में पानी भर गया है। नाले की सफाई नहीं होने की वजह से बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया है। पूर्वी दिल्ली के आईटीओ लक्ष्मीनगर, मधुविहार में ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया। दिल्ली के पॉश माने जाने वाले जीके वन में सड़कों का हाल नदी जैसा नजर आया। बारिश से दक्षिण दिल्ली के रिंग रोड, मोतीबाग और डिफेंस कॉलोनी द्वारका के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर में एक सिनेमा हॉल की बालकनी में पानी भर गया। सरोजनगर के कुछ घरों में भी पानी घुस आया। बारिश से तापमान में तेज गिरावट आ गई है। मौसम विभाग ने पहले ही तेज बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जबरदस्त बारिश के चलते दिल्ली के हर इलाके में जल भराव हो गया है। जगह जगह जाम में फंस रहे हैं लोग। कई जगहों पर मकानों में पानी घुस गया है। दिल्ली में हुई 123 मिलीमीटर बारिश से कई राजनेताओं के घर में पानी घुस गया। सपा के नेता रामगोपाल यादव का सरकारी बंगला भी पानी से पूरी तरह डूब चुका है। यादव से मिलने के लिए लोगों को पानी को पार कर जाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, घंटों भर पंप से पानी निकाला जा रहा है, लेकिन पानी है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। महानगरी मुंबई मूसलाधार बारिश की वजह से अस्त व्यस्त हो गई है। बारिश की वजह से सब कुछ थम चुका है। मुंबई में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है और अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे मुंबई पर भारी रहेंगे। बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर जल जमा हो गया, हर तरफ नजर आ रहा है तो पानी ही पानी। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से गाड़ियां रेंग रही हैं। मलाड, गोरेगांव, बोरीवली, घाटकोपर, चेंबूर, बांद्रा, अंधेरी, परेल, दादर और कुलाबा में भारी बारिश हुई है। बारिश का असर वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन पर पड़ा है। इन लाइन पर ट्रेन देरी से चल रही है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से अभी राहत की उम्मीद नहीं है। विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक धार्मिक ग्रंथ में पिस्टल छिपाकर ले जा रहा था। इस शख्स का नाम है संजय चौधरी। इस शख्स ने धार्मिक ग्रंथ का सहारा इसलिए लिया ताकि किसी को शक न हो कि इस किताब के अंदर दो पिस्तौल हैं। पुलिस ने संजय के पास से पिस्तौल के अलावा 11 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी संजय चौधरी ने पुलिस को बताया कि पिस्टल राजू माढ़िक नाम के गैंगस्टर को देने जा रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस को इस बात की भनक लग गई और पुलिस ने संजय चौधरी को धर दबोचा। गौरतलब है कि राजू महाडिक वो शख्स है जिसने 12 जुलाई 2012 को एक शिवसेना के नेता पर फायरिंग की थी, लेकिन वो बच गया था। इस मामले के बाद से राजू फरार है। इस पिता ने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलते देखा। बेटी दर्द से तड़प रही थी, जान बचाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन ये गांव के दबंगों और पंचायत के आदेश के आगे मजबूर था। मुझे धमकी गई और नौकरी कि तुम्हारी लड़की जो है हम एक रात के लिए तुम्हारी लड़की को रखेंगे, और धमकी दी कि ऐसा कर देंगे और यो कर देंगे। मैंने की जी ऐसा। लेकिन न्यूज 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद यूपी सरकार की नींद खुली और लड़की को जिंदा जलाने वाले मुख्य आरोपी को धर दबोचा गया। बिजनौर के हेमपुर के SHO और दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि 4 पुलिस वाले को लाइन हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। खाकी वर्दी एक बार फिर शर्मसार हुई। गाजियाबाद में एक पुलिस वाले की वजह से एक नाबालिग छात्रा का गैंगरेप हो गया। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी ने ऑटो स्टैंड पर लड़की से छेड़छाड़ की। इसके बाद जब लड़की उस पुलिस वाले से बचने के लिए ऑटो स्टैंड की ओर जा रही थी, तभी कार से आ रहे 4 लड़कों ने लड़की को अगवा कर लिया और लड़की को पहले नशीला पदार्थ पिलाया और फिर चारों लड़कों ने चलती कार में गैंगरेप किया और फिर लड़की को दिल्ली स्टेशन पर फेंक कर फरार हो गए। 2 दिन पहले यह वारदात हुई है। लड़की ने थाने पहुंचकर अपना मेडिकल कराया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस गैंगरेप करने वाले को सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये तस्वीरें टुंडला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। जरा तस्वीरों में देखिए, 15 साल का एक लड़का कैशियर के चैम्बर में घुसा और वहाँ रखे लाखों रुपए के बंडलों में से 2 बंडल उठाकर अपनी शर्ट में छिपा लिया और बेहद होशियारी के साथ वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। कैशियर काउंटर में 2 लाख रुपए की चोरी हो गई, लेकिन बैंक के किसी स्टाफ को भनक तक नहीं लगी। लेकिन जब बाद में कैश की गिनती हुई तो पता चला कि पूरे 2 लाख रुपए कम है। इसके बाद बैंक में लगे CCTV कैमरे को खंगाला गया, तब जाकर चोरी की सातराना वारदात का खुलासा हो पाया।
महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक स्कूल में छात्रों को आयरन की गोली देने से छात्र बीमार पड़ गए हैं। स्कूल की तरफ से 130 छात्रों को आयरन की गोलियां दी गई थी। उसके बाद से छात्रों को पेट दर्द और लूज मोशन होने लगा। बताया जा रहा है कि गोली खाने की वजह से छात्रों की यह हालत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 477 छात्रों को आयरन की गोलियां देनी थी, लेकिन 130 छात्रों की हालत बिगड़ने के बाद से आयरन की गोली पर रोक लगा दी गई। छात्रों की हालत बिगड़ते ही स्कूल प्रशासन ने आनन फानन में छात्रों को सोलापुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ छात्रों को दवाइयां देकर छोड़ दिया गया है तो कई गंभीर रूप से बीमार छात्रों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस के लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो जनता तय करे। राहुल गांधी के इस विचार का कांग्रेसियों ने जहां जमकर स्वागत किया, वहीं बीजेपी ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता राज बब्बर का कहना है कि राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं और हर आदमी को राहुल गांधी की तारीफ करनी चाहिए। जबकि बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का कहना है कि जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का फैसला ले लिया है। जनता ने तो तय कर लिया है कि कांग्रेस को विदा करना है, यही जनता का मैनिफेस्टो। राहुल जी ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है और इसके लिए साधुवाद के योग्य हैं। तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को हवा देते हुए अखिलेश यादव ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। दोनों राजनेताओं के बीच तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात चली। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पक्ष में हवा बनाने में जुटे हैं और नायडू से तीसरे मोर्चे की संभावनाओं पर चर्चा की। हालांकि अखिलेश ने तीसरे मोर्चे की बात को हंसकर टाल दिया। तीसरा मोर्चा के बारे में आपकी उत्तराखंड कुदरत के कहर के मार से अब तक नहीं उभरा है। अब तक सैलाब ने हजारों जिंदगियां लील ली है। सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं, पुल जहां तहां टूट चुके हैं। सेना ने कई लोगों को बचा तो लिया है, लेकिन अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। गोविंदघाट पास इलाके में 35 दिनों से हजारों लोग फंसे हुए थे, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO पुल बनाकर जानवरों से तकरीबन 840 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में कामयाब रही है। सुरक्षित निकाले जाने वाले लोग BRO की जमकर तारीफ कर रहे हैं। 35 दिनों से हमारे घोड़े वालों ने यहाँ पे जो हमारे घोड़े वाले थे और जो हमारे घोड़े थे उसमें सब यहाँ पे फंसे हुए थे। बोधगया में दुनिया के भिक्षु पहुंचकर शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। लंका के भिक्षु भी शुद्धिकरण करने के लिए बोधगया पहुंचे। हजारों की तादाद में आए भिक्षुओं ने कहा कि बोधगया में सिलसिलेवार धमाके से पूरे इलाके में अशांति फैल गई थी, इसलिए दुनिया भर के भिक्षु बोधगया आकर पूजा अर्चना करेंगे और बोधगया में फैली अशांति दूर करेंगे। टुडे वी हेल्ड बुद्धिस्ट मेडिटेशन ऑन पीस एंड टू ट्रांसेंड कंपैशन एंड काइंडनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। लंका के भिक्षुओं के बाद बोधगया में दुनिया भर के भिक्षु बोधगया पहुंचकर इलाके में शांति स्थापना के लिए पूजा अर्चना करने वाले हैं। शिरडी के साईं बाबा को एक भक्त ने सोने के दिए के स्टैंड चढ़ावे में दिए हैं। दो स्टैंड का वजन 1 किलो और इसकी कीमत 24,24,000 रुपए आंकी गई है। स्टैंड की लंबाई 1 फीट है। हैदराबाद के भक्त ने सोने के दीपक स्टैंड साईं के चरणों में रखा और इसकी खबर साईं मंदिर प्रशासन को भी दे दी। साईं बाबा संस्थान की ओर से चढ़ावा देने वाले भक्त राव दंपति को सम्मानित भी किया गया। शिरडी में आज से गुरु पूर्णिमा उत्सव शुरू हो रहा है। ऐसे में साईं को गुरु दक्षिणा के तौर पर साईं भक्त करोड़ों का सोना चांदी चढ़ाते हैं। उत्सव की शुरुआत में ही साईं को 1 किलो सोना चढ़ा है और साल दर साल साईं की झोली में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा चढ़ाया जाता है। मुंबई में शिवसेना के चित्रपट सेना ने मॉडल और एक्टर पूनम पांडे की आने वाली फिल्म नशा का पूरे मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना ने मुंबई शहर में फिल्म नशा के पोस्टर को उतार दिया और पोस्टरों को आग के हवाले कर दिया। शिवसेना फिल्म में अश्लीलता परोसने से खफा है और उनका कहना है कि महाराष्ट्र की भूमि संतों की है और ऐसे फिल्म और पोस्टरों से समाज का माहौल खराब होता है। सबका अपना अपना तरीका होता है सोचने का और ये मेरा तरीका है खुद का ऐसी चीजें करने का और मुझे पता है लोगों को क्या पसंद है, मैं क्या दिखाऊं और क्या छुपाऊं।